जय श्री गणेश जी, मैं हूँ एस्ट्रो संध्या सक्सेना। स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब में, आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक में। अब हम बात कर रहे हैं अपनी कुंडली की, तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा बैलेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं। धन संपत्ति के मामले में आप लकी हैं, परिवार आपका अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, व्यवसाय अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत तनाव तो हर सभी की लाइफ में रहता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव सभी की लाइफ में रहते हैं। आपके लिए शुभ क्या है, आपके लिए दो नंबर आपके लिए शुभ रहेगा, और आपको लाल रंग आपके लिए शुभ रहेगा। आपको क्या करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा पाठ आराधना करनी चाहिए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ आएगा। नेक्स्ट नंबर पे वृषभ राशि है। वृषभ राशि, आपका दिन कैसा रहेगा, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपका धन संपत्ति बना रहेगा, प्रेम परिवार और व्यवसाय भी आपका अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। कुल मिला के आपका टाइम अच्छा है, आपके लिए लकी नंबर एक रहेगा, और आपके लिए जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा पीला या केसरिया। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी गरीब की मदद करेंगे, उसको थोड़ा बहुत दान कर देंगे, तो इससे आपका मजबूत रहेगा शुक्र। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन धन संपत्ति के मामले में थोड़ा सा डाउन जाएगा, उतार चढ़ाव के साथ। परिवार में थोड़ी बहुत खटर पटर हो सकती है, लेकिन प्रेम संबंध, व्यवसाय और वैवाहिक जीवन आपका अच्छा बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे तनाव के साथ आपका जीवन चलेगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा मछलियों को अगर आप दाना देंगे तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मिथुन राशि वालों, बुध आपका भाग्य का मालिक होता है, और इसलिए आप हरा फिरोजी रंग धारण कीजिए। साथ में आपका आठ नंबर इस समय लकी बना हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राशि, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, अप एंड डाउन के साथ रहेगा, और धन संपत्ति में भी थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। परिवार के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध अच्छे नहीं होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन व्यवसाय अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन भी बैलेंस रहेगा, यानी कि आपका जीवन 100 और 70 यानी कि खट्टे मीठे के साथ चलेगा। तो क्या करना है आपको कर्क राशि वालों, गेहूं और गुड़ जो है वहाँ गाय को खिलाना शुरू करिए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तीन नंबर आपके लकी रहेगा, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करेंगे तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा, और लाल रंग को आपको धारण करना चाहिए। सिंह राशि की बात करेंगे हम, तो सिंह राशि वालों, आपका स्वास्थ्य अच्छा मजबूत रहेगा, धन संपत्ति के मामले में थोड़ा सा डाउन जा सकता है, परिवार में किसी बात को लेकर कलेश कलह हो सकती है, प्रेम संबंध अच्छे हैं, वैवाहिक जीवन भी अच्छा है, और आपका व्यवसाय भी अच्छा है। कुल मिला के दूसरों की वजह से आप टेंशन में आएंगे, और थोड़ा सा आपको ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा रहता है आप में, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखेगा। आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए एक नंबर शुभ है, लाल रंग आपको प्रयोग करना चाहिए, लेकिन आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आप आत्मविश्वास ज़्यादा होता है, तो आप सफ़ेद रंग का प्रयोग कीजिए, लेकिन लाल रंग आपके लिए लकी है, सफ़ेद रंग का ध्यान रखिए, पहनिए। आपको क्या करना है, आपको चंद्रमा के उपाय करने हैं, यानी कि चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, ओम सोम सोमाय नमः का जाप कीजिए, या उससे भी अच्छा है कि भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए, निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि वालों, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, धन संपत्ति बनी हुई है, परिवार आपका अच्छा है, प्रेम संबंध अच्छे हैं, व्यवसाय अच्छा है, और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा है। टोटल कन्या राशि वालों, आपका दिन अच्छा है, टाइम भी अच्छा है, और आपका समय बढ़िया है। आपको क्या करना है, आपको यदि बताऊंगी कि 9 नंबर आपके लिए लकी रहेगा, लाल रंग का आपको प्रयोग करना चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए, भगवान मंगल यानी कि जो हमारे प्रभु हैं हनुमान जी, उनका ध्यान पूजा पाठ करेंगे, निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन हो सकता है, थोड़ा सा बीमार रह सकते हैं, धन संपत्ति के मामले आप लकी रहेंगे, परिवार भी आपका अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं रहेंगे, व्यवसाय में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, और आपका वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा डाउन होगा। कुल मिला के अप एंड डाउन्स के साथ आपका दिन चलेगा। आपको क्या करना है कन्या राशि वालों, तनाव को महसूस नहीं करना है और हल्के जीवन को जीना है। दो नंबर आपके लिए लकी रहेगा, आपके लिए सफ़ेद रंग शुभ है, और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, भगवान शिव की पूजा कीजिएगा, क्योंकि शिव ही सब कुछ है। वैसे भी सावन का टाइम चल रहा है, तो शिव की पूजा कीजिए, शिव जिसको ग्रहण कर लेते हैं उसे फिर किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा है, धन संपत्ति भी अच्छी है, परिवार भी अच्छा है, प्रेम संबंध भी अच्छे हैं, आपके व्यवसाय में थोड़ी सी दिक्कत है,
साथ में आपका भाई जीवन भी अच्छा है। किसी पे जल्दी से विश्वास मत करो, कोई भी काम करने से पहले सोच समझ के काम करो। वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जिससे जो कभी किसी राशि से नहीं डरती, सब पे बड़ी जल्दी कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप उपाय के रूप में भगवान शिव के 12 नामों का जाप करना चाहिए। लाल रंग आपके लिए शुभ है और 4 नंबर आपके लिए लकी रहेगा। थोड़ा सा आपको वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं धनुराशि वालों की। तो धनुराशि वालों, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा, धन संपत्ति आपके पास बनी रहेगी, परिवार का सुख आपको मिलेगा, प्रेम संबंध थोड़े से डाउन जाएंगे, व्यवसाय आपका अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन भी आपका खट्टा मीठा रहेगा। बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, तालमेल से भरा हुआ है दिन उतार चढ़ाव के साथ। तो आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी की सेवा पूजा पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। धनुराशि वालों, 1 नंबर आपके लिए लकी रहेगा और लाल रंग का धारण करेंगे तो थोड़ा आत्मविश्वास बना रहेगा आपको और ये आपके जीवन में शुभता लाएगा। नेक्स्ट नंबर पर हम बात करेंगे मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों, स्वास्थ्य आपका अच्छा है, धन संपत्ति के मामले में आपको बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, यानी कि थोड़ा बहुत बैलेंस बना रहेगा। आपका परिवार का सुख आपको मिलेगा, प्रेम संबंध बहुत अच्छे नहीं है, व्यवसाय भी बहुत अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत दिक्कत है। बैलेंस रहेगा आपका टाइम इस समय, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब मकर राशि वालों, और आपको खुद से इसको थोड़ा सा बैलेंस बना रहेगा। कैसे बनाएंगे, गुस्सा नहीं करना है, अनावश्यक तनाव नहीं पालना है, किसी से बहस ना करें। आपका जो राशि का मालिक वैसे होते हैं शनिदेव, तो थोड़ा सा शनिदेव का ध्यान कीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कीजिए, कौवों को रोटी खिलाइए, गाय की सेवा कीजिए, विकलांगों का ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग 1 रहेगा, मरून या काला रंग आप पहन सकते हैं, यह आपके लिए शुभ है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट राशि कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि वालों, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, उत्तम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, धन संपत्ति भी आपके पास बनी रहेगी। परिवार में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकते हैं, प्रेम संबंध में भी आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है और व्यवसाय भी आपका थोड़ा डाउन ही रहेगा। वैवाहिक जीवन जो है उसमें भी आपका थोड़ी सी दिक्कत है। कुल मिला के मैं कहूँगी कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, आप धन संपत्ति भी अच्छी है, लेकिन परिवार में खटपट है, प्रेम संबंध 50-50 के रेशो में, व्यवसाय भी आपका 50-50 के रेशो में है और आपका वैवाहिक जीवन भी 50-50 के रेशो में है। बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। शनि के जो देव हैं वो आपके मालिक हैं कुंभ राशि वालों के। तो आपको क्या करना है, अपने दिन को खुशनुमा बनाने के लिए मानसिक तनाव और झंझटों से दूर रहना चाहिए। ज़्यादा किससे बोलो मत, क्योंकि जब आपको लगता है कि टाइम आपके अगेंस्ट है तो शांति रहो, चुप रहो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्या कर सकते हैं आप वही बताऊँगी। 8 नंबर आपके लिए शुभ है। देखिए आपकी राशि भी यही है कुंभ और कुंभ राशि के शनिदेव, और आपका लक्की नंबर भी 8 निकल के आया है। काला रंग आपके लिए शुभ रहेगा और क्या करना है, भगवान शनिदेव का ध्यान कीजिए, ओम शनि शनिश्चराय नमः का जाप कीजिएगा, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। थोड़ी सी गाय की सेवा अवश्य कीजिएगा। अब हम आते हैं सबसे आखिरी में, हमारी पारी राशि है जो है मीन राशि। मीन राशि आपको स्वस्थ थोड़ा सा डाउन रह सकता है, अप एंड डाउन के साथ हो सकता है। आपका धन संपत्ति बना रहेगा, पैसा आएगा जाएगा, काम होते रहेंगे। परिवार में किसी से कलेश हो सकता है, कलह हो सकती है आपकी, उसको आपको ध्यान रखना है। और प्रेम संबंध आपके बढ़िया रहेंगे, मजबूत रहेंगे, व्यवसाय भी आपका अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना है, फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है और फालतू की टेंशन नहीं पालनी है, हाइपर नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। अपने मन को जितना आप ज़्यादा शांत रह सकते हैं उतना शांत रखिए। भगवान शिव का ध्यान कीजिए, ओम सोम सुमाय नमः का नमः शिवाय का जाप करेंगे तो लाभ होगा। भगवान शिव की आराधना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भी निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है। आप क्या कर सकते हैं, माथे पे केसर का तिलक लगाइए, इससे लाभ होगा। 5 नंबर आपके लिए शुभ है और हरा फिरोजी रंग भी आपके लिए शुभ रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है कि तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपकी राशिफल आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं आचार्य संध्या सक्सेना अब आपसे इजाजत लूंगी। आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया, धन्यवाद।